दोस्तों हाल ही में बिहार में एक महिला कर्ज नहीं चुका पाई तो 40 साल के व्यक्ति ने महिला की 11 साल की बेटी से जबरन शादी कर ली। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के चेयरमैन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की 2 FIR दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1 FIR नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले की है। ऐसे में बृजभूषण सिंह के खिलाफ भी पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इससे पहले बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सिंह सेगर, तमिलनाडु के एक चर्च के पादरी, क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह और आसाराम जैसे कुछ ऐसे शख्स हैं जिनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत ही केस दर्ज हुए। इनमें से ज्यादातर आरोपियों को पॉस्को एक्ट के तहत दोषी पाया गया है और वो जेल में सजा काट रहे हैं। यही कारण है कि बृजभूषण सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि यौन उत्पीड़न के मामले में वो गिरफ्तार हो सकते हैं। आइए इस कानून के बारे में समझते हैं। क्या है पॉस्को एक्ट? दोस्तों जब भी आप किसी बच्चे या नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न, छेड़खानी या बलात्कार की घटना सुनते होंगे तो उसमें पॉस्को एक्ट का नाम आता है। दरअसल भारत के कानून में नाबालिग के खिलाफ यौन अपराधों के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ भी कार्यवाही का प्रावधान है। कानून के तहत दोषी पाए जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है। पॉस्को शब्द अंग्रेजी से आता है, इसका मतलब है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चे के संरक्षण का अधिनियम 2012। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। ये एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। पॉस्को के तहत आने वाले अपराधों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अपराध। इसमें दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जा सकती है। दूसरी कैटेगरी में 12 से 16 साल तक के बच्चों के साथ अपराध होने पर इनमें से कम 10 और अधिकतम 20 साल की सख्त कैद की सजा का प्रावधान है। पॉस्को कानून से जुड़े नियम कौन कौन से हैं? इसी कानून के तहत सहमति से सेक्स की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल की गई है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के शादीशुदा होने और उसके साथ जबरन यौन संबंध को भी पॉस्को के तहत अपराध माना जाता है। पॉस्को के तहत पीड़ित के मामले की सुनवाई विशेष अदालत में की जाती है और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी की जाती है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऐसे मामलों में पीड़ित की पहचान जाहिर नहीं की जाती। दोस्तों पॉस्को एक्ट के तहत ये थी कुछ कानूनी जानकारी जो हमने आपको बताई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।